हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर से अपना कोर्स करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर हुआ या तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से, या तो बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, या तो बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या तो हॉर्टिकल्चर, जो कि 2022-23 में करना चाहते हैं, तो आज फाइनली जो फॉर्म फिलअप का जो लिंक है वो स्टार्ट हो चुका है ना। एग्ज़ाम का भी डेट्स वगैरह जारी कर दिया गया, बट एक जो मेन नोटिफिकेशन होता है ना, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, वो अभी तक जारी नहीं किया गया। बट आज का इस वीडियो में प्रीवियस ईयर जो कि 2021 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बेसिस पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो रहेगा सब कुछ सेम ही रहेगा, तो इसलिए मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन पहले जारी किया था उसी के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, है ना। और साथ ही साथ जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, वो भी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो एक बार वीडियो को एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा वो पॉइंट, वो जगह को, और अगर फिर भी कुछ भी डाउट हो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ के आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद से और भी मैं वीडियोस लाते रहूँगा एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग मैं वीडियोस लाते रहता था, बहुत कुछ अपडेट्स मैं देता था पहले, है ना। इस बार भी मैं अपडेट्स देते रहूँगा फॉर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एडमिशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन लगातार इस अपने चैनल के माध्यम से शेयर करते रहूँगा। वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सब अगर आप अपडेट्स पाना चाहते हो तो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस, वो तो स्टार्ट हो चुका है, बट फॉर्म फिलअप करने से पहले जो कोर्स आप करना चाहते हो उस कोर्स के रिगार्डिंग क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा, अगर जिनको BBSC मतलब जिनको भी BBSC से कोर्स करना चाहते हैं एंड AH, है ना, तो उसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट इन साइंस होना ज़रूरी, 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है, ऐसे कोर सब्जेक्ट होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री से अगर आप करना चाहते हैं BBSC मतलब बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, अगर इसमें आप कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट इन साइंस होना ज़रूरी है विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ कोर कोर्स, ठीक है। एंड एज लिमिट जो है, जो कि इसमें बोले गया 17 से 25 के बीच में, है ना, ये एज होना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है, ओके। उसके बाद जिनको BSc एग्रीकल्चर से करना हो या तो BSc फॉरेस्ट्री से करना हो, तो उनके लिए भी इंटरमीडिएट इन साइंस और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जिनको एग्रीकल्चर से या तो फॉरेस्ट्री से जिनको BSc करना है, तो उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जिनको डेयरी टेक से करना हो या तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बीटेक करना हो या तो डेयरी टेक से बीटेक करना हो, तो उसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट विथ होना चाहिए विथ PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, और ये दोनों चीज़ के लिए हुआ, ठीक है। और BFAC मतलब फिशरीज के लिए अगर जिसको भी करना हो, तो उसके लिए भी हायर सेकेंडरी 10+2 इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, PCMB या तो PCB या तो इंटर एग्रीकल्चर PCMB, ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी होना ज़रूरी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, ओके। और हॉर्टिकल्चर से भी करना हो तो सेम एलिजिबिलिटी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, कि यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी दिया, और यहाँ पर भी वही एज क्राइटेरिया दिया और 17 से 22 तक होना ज़रूरी है, एज ऑन नवंबर तक आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप का डेट्स जो है मैं आपको एक बार बता देता हूँ सबसे पहले, है ना, फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप का डेट्स मैं आपको बताऊँगा कि कब से कब आप लोग फॉर्म फिलअप होगा, ये आप फॉलो मत कीजिए कि ये प्रीवियस ईयर क्या है बोल के मिल के, ना, बट ये आप जान लीजिए कितना फॉर्म लगेगा पैसा, ठीक है। जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन BC1 BC2 वालों के लिए, BCM एंड PCB वालों के लिए 900 रुपीज़ लगेगा एंड PCMB वालों के लिए 1000 रुपीज़ लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। SC ST फीमेल एप्लीकेंट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज वालों के लिए 450 लगेगा PCM एंड PCB वालों के लिए एंड PCMB वालों के लिए 500 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप को लेकर कि जो फॉर्म फिलअप करना होगा आपको, ठीक है ना, तो फॉर्म फिलअप से रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं, बट लिंक जारी कर दिया कि कब से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है।
तो देखिए जब आप होम सेक्शन में आओगे जेसीसी के वेबसाइट में, मेन होम सेक्शन में आओगे, होम सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक कर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जेसीसीबी 2022। इस पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, पूरा एक लिस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप नीचे तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिशन इन बीएससी एग्रीकल्चर डेयरी टेक फॉरेस्ट्री, इस पे आपको क्लिक करना होगा, जो कि 10 तारीख आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। ओके, आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 24 तक इसका लास्ट डेट है ना। आज शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है नोटिफिकेशन जारी कर देगा, और जो भी मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से शेयर किया वही चीज़ इसमें भी मेंशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो 4 तारीख मतलब 4 दिसंबर को एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ठीक है। पीएनपी पोर्ट मतलब पेन पेपर मोड में भी हो सकता है या तो ऑनलाइन, क्योंकि पिछले बार जो हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, इस बार मुझे ऐसा चांसेस है, चांसेस क्या ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं पीएनपी पोर्ट मोड में, मतलब पेन पेपर मोड में हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। होगा होगा मतलब चांसेस क्या है पीएनपी मोड में ही होगा, मतलब पेन पेपर मोड में होगा, मतलब ऑफलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जो कि 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा और उससे कम से कम 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो जब आप इस पर आओगे, आने के बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपको दिखेगा। तो मैं अगर आप फ़ोन से अगर फॉर्म फिलअप करोगे तो डेस्कटॉप मोड में ज़रूर ओपन कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आप लैपटॉप से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो नेम में जब आप क्लिक करोगे तो आप अपना नाम वगैरह दे दीजिए, तो ये सब मैं एक बार फिल करके एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो जब आप ये सब चीज़ फॉर्म फिलअप में कर लोगे तो आप अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिएगा, और हाँ जब आप ईमेल आईडी डालोगे तो प्रॉपर वैलिड ईमेल आईडी ज़रूर डालिएगा, है ना। और फ़ोन नंबर भी जो आप डालोगे तो प्रॉपर फ़ोन नंबर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि कुछ भी अपडेट्स हो, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना हो, या तो आईडी आपको अगर मिलता हो तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में या तो आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर में आपका मैसेज आ जाएगा, ठीक है। पासवर्ड की बात कीजिए, यहाँ पे जब क्रिएट करोगे तो कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, 8 डिजिट का, ओके। और पासवर्ड में कम से कम कोई भी अगर अल्फ़ाबेट्स में लिख रहे हो तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट लेटर रहेगा तो वो आपका कैपिटल रहेगा, बाकी सब आपका स्मॉल रहेगा, ठीक है। और इसमें एक कोई भी एक सिंबल ज़रूर दे दीजिए, फॉर एग्जांपल @ हुआ, हैशटैग हुआ, या तो स्टार मार्क हुआ, ये सब आप दे सकते हो। और उसके बाद कोई भी 1-2 डिजिट का नंबर आप दे सकते हो, कम से कम ये सब मिला के 8 डिजिट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा नाम सौरभ है, तो मैंने सौरभ का S कैपिटल रखा, बाकी सब स्मॉल रखा है। कोई भी एक सिंबल मैं दे दूंगा, जैसे हैशटैग हुआ या तो @ होगा, तो मैं अपना @ मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल एक दे दिया, जैसे 1 दे दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे करके आप कम से कम 8 डिजिट के अंदर अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका राहुल हुआ तो राहुल@1-2, ऐसे करके आप कम से कम 8 डिजिट के अंदर आपको पासवर्ड सेट करना होगा, ठीक है। करने के बाद जब अपना कैप्चर कोड डालोगे, डालने के बाद जब आप सबमिट में क्लिक करोगे तो आपका जो है एक ऑप्शन आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट इन्फॉर्मेशन फॉर वन सबमिटेड, मतलब ये जो आप भरे हो आप सब कुछ सही भरे हो कि नहीं, एक बार नाउ कैंसिलेट करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो आप येस आई एम श्योर में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद आपके एक रजिस्टर्ड ईमेल आई डी पासवर्ड, मतलब आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया है, वो एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपना एक बार ईमेल भी चेक कर सकते हो, तो एक बार मैं एक बार ईमेल भी चेक कर लेता हूँ। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में एक आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आ जाएगा। बट जब आप ईमेल आईडी में जब आप चेक करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके इनबॉक्स में नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रह जाएगा कि सर मेरा तो इनबॉक्स में आया नहीं ईमेल आईडी का, तो क्या मैंने ईमेल आईडी गलत डाला है क्या? तो देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, अगर आपकी ईमेल आईडी का जो मेन इनबॉक्स में अगर नहीं आता है तो एक बार आप स्पैम या तो मतलब ट्रैश बॉक्स है उसमें ज़रूर चेक कीजिएगा। क्योंकि मैंने जब अभी फॉर्म फिलअप किया था ना, तो मेरा जो मैसेज आया था वो स्पैम बॉक्स में आया था। तो आप लोग भी एक बार स्पैम बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा जिसमें से आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो अभी आपने सेट किया वो सब आपका आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जब आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो अभी अभी आपको मिला है वो आपको डालना होगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको डाल देता हूँ।
तो जब आप डाल दोगे, डालने के बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप लॉगिन में क्लिक करोगे तब आपसे अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह मांगा जाएगा। तो ठीक है, आप अपना फादर्स नेम दे दीजिएगा, मदर्स नेम दे दीजिएगा, आपसे मांगा जाएगा, जेंडर दे दीजिएगा, सिलेक्ट कर दीजिएगा, करने का फिर अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दीजिएगा इसमें, ठीक है। डालने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर तो आपका पहले से मेंशन रहेगा, वो आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं रहेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा फादर्स मदर्स ऑक्यूपेशन, वो आपसे क्लिक करना होगा। करने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो फादर्स या तो मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपका क्या रहेगा, इस सब आप क्लिक कर सकते हो, आपको सेलेक्ट करना होगा, ये सब तो आपको पता ही होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा एनुअल फैमिली इनकम, तो एनुअल फैमिली इनकम आपका वो मेंशन करना होगा, कितना आपका फैमिली इनकम है वो आपको डालना होगा, ठीक है। डालने के बाद आपसे पूछा गया चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, तो आपसे सिर्फ दो ही ऑप्शन पूछा गया, तो रांची नहीं तो दुमका, ओके। सिर्फ दो ही ऑप्शन रहेगा चॉइस ऑफ सेंटर के लिए, रांची में नहीं तो आपको दुमका में क्लिक करना होगा, ठीक है। करने के बाद फिर आपसे फर्दर और डिटेल्स पूछा गया, जैसे रिजर्वेशन डिटेल्स में आप किस स्टेटस में बिलोंग करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस में परमानेंट है या लोकल है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर सबका परमानेंट ही रेजिडेंशियल मतलब जो डोमिसाइल है वो अभी परमानेंट ही बन रहा, तो अधिकतर सबका परमानेंट ही रहेगा। तो अगर परमानेंट अगर रहा तो परमानेंट में क्लिक कीजिएगा, अगर लोकल रहा तो आपको लोकल में क्लिक करना होगा, ठीक है। करने के बाद फिर आपसे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप परमानेंट से अगर बिलोंग करते हो तो परमानेंट का भी वही कैटेगरी सब सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप लोकल से बिलोंग करते हो, लोकल रेसिडेंट अगर आपका है तो आपसे कैटेगरी, तो इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ जनरल ही पूछा जाएगा। अगर आपका लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड है तो उससे आपसे जनरल का ही ऑप्शन रहेगा, और अगर आपका परमानेंट है तो आपसे ऑप्शन वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर आपसे पूछेगा सब कैटेगरी में डिसेबल्ड में आते हो कि नहीं, वो आपको क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा, तो आपका PCM है या PCB है तो या तो PCMB है। अगर आपका PCM है तो फिर आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड, फिर आपको क्लिक करना होगा येस या तो नो। तो अगर आपका है तो येस में क्लिक करना होगा, ठीक है। करने का फिर आपसे ये सब ऑप्शन मिल जाएगा, 10th में कितना आपका परसेंटेज था, कौन सा बोर्ड या तो कौन सा इंस्टीट्यूट आपने कंप्लीट किया, रिजल्ट स्टेटस क्या, अगर आपका पास है कि नहीं वो सब आपको क्लिक करना होगा। फिर आपसे पूछेगा मार्किंग सिस्टम में आपका परसेंटेज में क्लिक करना होगा। करने के बाद आपका जो रोल नंबर था 10th का बोर्ड का जो रोल नंबर था वो आपको रोल नंबर देना होगा। पासिंग या मतलब आपने किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। फिर आपसे मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितना मार्क्स का एग्ज़ाम था, टोटल मिलाकर कितना मार्क्स का एग्ज़ाम था वो आपको डालना होगा, जिसमें से आपको वो टोटल मार्क्स डाल दीजिएगा, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम था वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ऑप्टेन मार्क्स मतलब कितना आपने ऑप्टेंट किया है, आउट ऑफ इतना में कितना आपका, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का रहा, सब कुछ मिलाकर फॉर एग्जाम्पल मान के मान चलिए सब मिलाकर आपका 500 मार्क्स का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो आउट ऑफ 500 में कितना आपका मार्क्स है वो आपको मेंशन करना होगा, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे 12th का मांगा जाएगा, 12th इंटरमीडिएट है ना, तो आप अपना इंस्टीट्यूट या तो यूनिवर्सिटी नेम दे दीजिएगा, सिलेक्ट स्टेट मतलब पास है कि नहीं वो आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद मार्किंग सिस्टम में आपसे परसेंटेज पूछेगा, वो ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और रोल नंबर आपका 12th का बोर्ड का रोल नंबर रहेगा, कौन सी ईयर आपने पास आउट किया है, कितना टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम था जिसमें से आपने कितना पाया है, सब कुछ मेंशन कीजिएगा। और याद रहे जिन्होंने CBSE से अपना पास आउट किया है 10th या तो 12th, वो लोगों का तो CGPA में रहेगा, तो वो लोग अपना 9.5 से कन्वर्ट करके परसेंटेज में जो भी आएगा वो आप डाल दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो CBSE वाले लोग का तो CGPA में रहता है, तो वो लोग अपना परसेंटेज में कन्वर्ट करना करवाना हो तो 9.5 में कन्वर्ट करवा के वो लोग कर सकता है, ठीक है। ये सब डालने के बाद फिर आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस का मतलब ये कि आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं वो परमानेंट एड्रेस, आपका जो परमानेंट घर है वहाँ का एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये अगर आपने कहीं अगर किसी कारण अगर आपने घर छोड़ा, घर नहीं छोड़ा हो, किसी का अगर आपका फादर का या तो आपके मदर का अगर कहीं ट्रांसफ़र हुआ हो तो अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ का आपको एड्रेस देना होगा, ठीक है। और अगर आपके फादर मदर गया तो कहीं भी अगर ट्रांसफ़र नहीं हो, आपका एड्रेस जो है वो सेम ही है, तो यहाँ पर परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में वही जो आपका एड्रेस है, करंट एड्रेस है वो डालिएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे जो एड्रेस है वो सब यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका फादर मदर का अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो अभी रिसेंट जहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस डालिएगा, और परमानेंट एड्रेस में आपका जो परमानेंट घर है वो डालिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप रहते हो रांची में, आपका घर जो है रांची में, बट आपके फादर मदर का ट्रांसफ़र हुआ यहीं कहीं कलकत्ता में हो या तो कहीं भी हो, तो कलकत्ता वाला जो एड्रेस है वो कॉरेस्पॉन्डेंस में डालेगा और जो परमानेंट एड्रेस है जो कि रांची में वो डालेगा, ठीक है। और अगर आपका घर अगर रांची में ही है,
आपका आपका मतलब आपके फादर मदर का बिजनेस चल रहा है एक ही जगह में, तो आपको अलग से एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है कॉरेस्पॉन्डेंस में। जो आपका एड्रेस है अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस दे दीजिए कि यहाँ पे, और परमानेंट एड्रेस में इसमें क्लिक कर दीजिए, वो कॉपी आपका जो एड्रेस है वो सब यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे फोटो नेशनैलिटी तो आपसे पूछेगा, तो वो इंडियन डालना ही होगा। उसके बाद सर क्या बोलेगा, आपको फोटो डालना होगा, ठीक है, वो भी 50 KB के अंदर आपको फोटो डालना होगा। और एप्लीकेंट सिग्नेचर जो कि हैंड रिटन सिग्नेचर, मतलब एक पेपर लेना होगा उसमें आपको ब्लैक पेन से साइन करना होगा, करके उसका फोटो लेके उसको आपको इसमें अपलोड करना होगा, जो कि 50 KB के अंदर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद LTI मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब लेफ्ट का जो अंगूठा है उसका थंब इम्प्रेशन एक पेपर में लगा के उसका फोटो लेके आपको इसमें अपलोड करना है। तीनों का तीनों 50 KB के अंदर में होना ज़रूरी है, ठीक है। करने के बाद जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म में क्लिक करोगे तो आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद आपसे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच वाइज। पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको तो बता दिया, फिर से मैं आपको बता दूँ पेमेंट ऑफ फीस में कितना कितना आपको लगेगा, यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, ठीक है ना। आप UPI या तो डेबिट कार्ड का माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फॉर जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 900 रुपीज़ लगेगा, फॉर PCM एंड PCB एंड PCMB जिसका है तो उनका 1000 रुपीज़ लगेगा। BC1 BC2 कैटेगरी वालों के लिए 900 रुपीज़ लगेगा, PCM वालों के लिए PCB वालों के लिए एंड 1000 रुपीज़ लगेगा PCMB वालों के लिए, ठीक है। और फॉर ST SC एंड फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए 450 रुपीज़ लगेगा, PCM एंड PCB वालों के लिए एंड PCMB वालों के लिए 500 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। और ये सब तो आपका क्लियर हो चुका है। तो और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप लोग पेमेंट करो तो बेटर रहेगा आप लोग डेबिट कार्ड से ही कीजिएगा, UPI में कभी कभार पैसा फंसने का ज़्यादा चांसेस बन सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग पेमेंट कीजिएगा तो अपना डेबिट कार्ड का माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।